इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बुरा वक्त हर एक की जिंदगी में आता है और कुछ लोग बुरे वक्त को झेल लेते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उस बुरे वक्त में भी अवसर निकाल लेते हैं। इसी बात को समझाने के लिए छोटी सी स्टोरी समझाना चाहता हूँ। एक अध्यापक के दिन क्लासरूम में उन्होंने देखा कि सारे बच्चे बहुत दुखी थे और बहुत ज़्यादा शांत बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आज आप बहुत शांत हैं और दुखी ही लग रहे हैं। तो सारे बच्चों ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव है, घर पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है और उनको लगता है कि उनका बुरा वक्त चल रहा है। तो अध्यापक ने उनको समझाने के लिए 3 बर्नर और 3 स्टोव को क्लासरूम में बुलाया और 3 स्टोव पर 3 बर्नर रखे, उन पर पानी डाला गया और एक पर उन्होंने आलू डाल दिया, दूसरे में उन्होंने एक अंडा उबाला और तीसरे पे उन्होंने कुछ कॉफ़ी के बीन्स, जिसको कॉफ़ी बीन्स बोलते हैं आप, कॉफ़ी के उन्होंने बीन्स डाल दिए। तीनों उबालने के बाद एक समान मात्रा में तीनों उबालने तक, जब तक कि वो पानी उबल कर ऊपर ना आ जाए तब तक तीनों को उबाला और तीनों बल जाने कर एक स्टूडेंट को आगे करके बुलाया। उन्होंने बोला कि अभी आलू को निकाल के देखो कि ये कैसा है। तो उसने बताया कि सर ये आलू अब काफी नरम हो चुका है, पहले काफी सख्त था, अब उबलने के बाद काफी नरम हो चुका है। ठीक है, तो दूसरे बच्चों को बुलाया और उन्होंने बोला कि इस अंडे को निकाल के बताओ क्या। तो उन्होंने बोला कि अंडा पहले नरम था, अब सख्त हो गया है। तो तीसरा बर्तन में जहाँ कॉफी के बीन डले हुए थे वहां पे अध्यापक ने बोला कि किसी तीसरे बच्चे को बुलाया कि तुम इस कॉफी के बर्तन में ढक कर देखो कि इसमें तुम्हें क्या नजर आता है और क्या इसमें तुम्हें खुशबू आती है। तो उसने देखा उसमें काफी सुगंध सी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों ये तीनों चीज बताने पर तो दोस्तों अध्यापक ने उन बच्चों को इसके बाद समझाया कि जैसे कि आपने देखा कि तीनों को एक समान गर्म पानी की मात्रा पर उबालने पर तीनों ने अपने अपने अलग अलग रंग प्रतीत किए। जैसे आलू जो पहले गर्म था वो नरम हो चुका, कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे ये कि आलू नरम हो गया वैसे हम जिंदगी में बुरा वक्त आने पर कमजोर पड़ जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। दूसरा वो अंडा बाहर से सख्त था पर अंदर से नरम हो गया, अंदर से वो नरम ही है। तो उन्होंने बताया कि हम बुरे वक्तों को झेल तो लेते हैं पर कहीं ना कहीं वो हमें अंदर से चेंज कर देता है। कॉफी के बीन को भी उतने ही गर्म पानी में उबाला गया पर कॉफी के बीन ने तो सुगंध फैला दी पूरे बर्तन में। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे और अगर आप नए नए अवसर को खोजते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी बुरा वक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर बुरा वक्त आया भी तो आप उसको अच्छे वक्त में जरूर बदल देंगे। इसी के साथ सुनते रहिए नई नई स्टोरी और जुड़े रहे चैनल से। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी कहानी मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उस ईमेल आईडी पे अपनी कहानी को शेयर कीजिए। अगर मुझे आपकी कहानी अच्छी लगी तो मैं आपकी कहानी को इस वीडियो में जरूर सुनाऊंगा। थैंक यू।